हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाइड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, इस तरीके से। ये क्या है? एक स्क्वायर है जो ए बी सी डी है। ये क्या दे रखा है? एक स्क्वायर दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों, ये जो स्क्वायर है इसकी जो चारों साइड है, इन चारों साइड के मिड पॉइंट को क्या कर देते हैं? आपस में मिला देते हैं। ये चारों मिड पॉइंट है, इनको क्या कर देते हैं? आपस में मिला देते हैं। इन चारों मिड पॉइंट को जब आपस में मिला दिया जाता है तो फिर से अंदर एक क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक स्क्वायर बन जाता है। और इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। स्क्वायर के अंदर क्या है? एक स्क्वायर है। तो अपने को सिंपल सा कुछ नहीं करना, अपने को इसका एरिया याद करना है। इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो याद करना। कौन कौन से? एक तो आपके पास में जो स्क्वायर दे रखा है पी क्यू आर और एस, और दूसरा कौन सा आपके पास में स्क्वायर जो दे रखा है ए बी सी डी। इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का क्या याद करना है? इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? दोनों का जो एरिया होगा उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो अंदर वाला है इसकी साइड मान लेते हैं एक। कितने मान लेते हैं? एक मान लीजिए इसकी साइड है। अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर एक मान लेते हैं, तो अब आपको बताना है दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर ये इसकी साइड एक है तो इसका जो अपन स्क्वायर निकाले, स्क्वायर क्या है इसका, हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकाल दिया, पूरे एरिया। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक ही होगा। अब यहां तक तो कंप्लीट, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसका ये जो आपके पास में अंदर स्क्वायर दे रखा है, इसका डायगोनल अगर निकाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए, साइड एक दे रखी है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है, तो आपके पास में हाइपोटेनस निकल जाएगी। एक और एक, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर। कैसे? जैसे एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर ऊपर कितना होगा? रूट। तो ये कितना हो जाएगा? वन वन टू। तो ये कितना आ जाएगा? रूट टू। और डायगनल क्या होता है? रूट टू का मल्टीपल ही होता है। तो यहां तक आपके दिमाग में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? रूट टू, जो अंदर वाले का क्या है? डायगनल है। अब अंदर वाले का डायगनल, और ये देखो बाहर वाला जो स्क्वायर है इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रूट टू। तो यहां से यहां तक रूट टू है, तो यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? रूट टू होगी। रूट टू का मतलब ये इसकी साइड क्या आ गई? रूट टू आ गई। तो इस बार वाले की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई? रूट टू आ गई। बार वाले की साइड कितनी आ गई? रूट टू। बार वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड कितनी आ जाएगी? रूट टू आ जाएगी। टोटल कितनी आ जाएगी? रूट टू आ जाएगी। तो साइड अगर रूट टू है तो आपके पास में क्या करना होगा? एरिया के लिए, एरिया के लिए इसको इसकी साइड का क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। इसकी साइड का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। और नीचे क्या है? रूट टू। रूट टू का स्क्वायर कितना होता है? टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अंदर वाला स्क्वायर अगर वन है तो बाहर वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो दोनों क्या बन जाएंगे? वन बाय टू। अंदर वाले का एरिया जो है कितना है? एक है, तो बाहर वाला का जो एरिया होगा वो कितना होगा? बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास में अगर अंदर वाला एरिया देर का होगा, अंदर वाला जो आपके पास में स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया देर का होगा, तो आप जैसे ही उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया निकल जाएगा। बाहर वाला स्क्वायर अगर देर का है, उसका अगर एरिया देर का तो उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो अंदर वाला एरिया आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है।